मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि बहुत ही लास्ट टॉपिक है सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जिसको मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक टॉपिक स्टार्टिंग में बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अगर किसी बच्चे ने वैसे 9th-10th में टॉपिक है वो आपने कर रखा होगा, अगर फिर भी नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो का लिंक है, आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी मैंने सारे लेक्चर आपको दे चुका हूं। किसी बच्चे को लगता है कोई टॉपिक अभी फर्स्ट चैप्टर में हमारा लेफ्ट रह गया या कोई और चीज आप एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको जल्दी दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट स्टूडेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है या लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। कई बार वर्ड आ जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जब भी स्टूडेंट हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, सपोज करिए A2+B2 गिव्स 2AB, एक ये रिएक्शन है, या फिर मैं एक सिंपल सी रिएक्शन ले लो, आपने A2B2 की ले लो, सर हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं हम वैसे ही ले लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास वाटर की फॉर्मेशन है 2H2+O2 गिव्स 2H2। अब इसमें कितने, मैं कह रहा हूं 2 ग्राम हाइड्रोजन के हैं, 10 ग्राम ऑक्सीजन के हैं, तो कितने ग्राम वाटर बनेगा। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझेंगे। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली, 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस ली, तो कितने ग्राम वाटर की फॉर्मेशन होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपल सा रूल तो यही कहता है, अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके कितने मोल है स्टूडेंट, आप कहेंगे सर 2 मोल है, इसके कितने मोल है 1 मोल है, इसके कितने मोल है 2 मोल है। ये स्टिक्योमेट्री भी है, ये लिमिटिंग एजेंट भी है, इससे हम बात करें। अब इसके अगर कितने मोल, 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो यहां पे कितना हो गया स्टूडेंट 4 ग्राम, और यहां पे अगर हम बात करें तो 32 ग्राम। तो यहां कितना बनेगा, अगर नॉर्मली बात करें, अगर हम स्टिक्योमेट्री केवल हम रिएक्शन की बात करें तो बनना कितना चाहिए 36 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी क्या हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है। मगर एक्चुअल में इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, अगर मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूं, 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो 36 ग्राम वाटर बनना चाहिए। मैं कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी, अब वो कह रहा है कि अगर मैं आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन दूं और 10 ग्राम ऑक्सीजन दूं तो बताओ वाटर कितना बनेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। अब आपने सर बिल्कुल आसान है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो 36 ग्राम वाटर बन रहा है, तो अगर 2 ग्राम से कितना बनेगा 18 ग्राम हो गया। फिर मैं तुम्हें, आपने हाइड्रोजन को ही क्यों लिया, आप ऑक्सीजन को भी ले सकते हो। आप ऐसे कह दो कि 32 ग्राम है तो 36 रिक्वायरमेंट है, तो 10 ग्राम है तो कितना मास निकालो, मगर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे दोनों रिएक्टेंट यानी कि स्टिक्योमेट्री में, जैसे अगर एक बैलेंस रिएक्शन की बात करें तो नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से एक रिएक्टेंट स्मॉल अमाउंट में है और एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है। अब कौन स्मॉल में है कौन एक्सेस में है कैसे निकालते हैं वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। जो अमाउंट जिसका रिएक्टेंट स्मॉल अमाउंट में होगा, कहने का मतलब क्या है कि जब हम 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कौन सा रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले कंज्यूम्ड हो गया उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट बच जाता है केमिकल रिएक्शन में एंड तक में, उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। कैसे निकालते हैं मैं इसी न्यूमेरिकल से आपको समझा देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, 4 ग्राम के लिए मुझे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर मैं स्टिक्योमेट्री रिएक्शन जो बैलेंस है उसके भी अकॉर्डिंग अगर चलूं तो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो अगर मैं कहूं 2 ग्राम है तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो आप कहेंगे सर 32 4, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन मुझे चाहिए। अब ध्यान से सुनना, कितनी चाहिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए 16 ग्राम, मगर आपको गिवन कितना है ध्यान से देखिए, हमें गिवन कितना है केवल स्टूडेंट 10 ग्राम। इसका मतलब ये तो कम है, होना कितना चाहिए 16 ग्राम। हाँ 16 से ज्यादा होता 17 ग्राम 18 ग्राम 20 ग्राम, तो ये एक्सेस रिएजेंट हो जाता, मगर अब हमें चाहिए तो 16 ग्राम, मगर गिवन कितने हैं 10 ग्राम, कम गिवन है ना, तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये मेरा स्टूडेंट क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और याद रखना, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो केवल लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करती है, एक्सेस रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्यों, क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएजेंट ही खत्म हो गया तो जो एक्सेस में पड़ा वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, तो उससे कोई लेना देना
नहीं होता स्टूडेंट। तो अब मुझे अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, मुझे आंसर देना है इसी क्वेश्चन का, तो मैं कैसे कहूंगा, अब मैं ऑक्सीजन को लेके चलूंगा। ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस वाटर, कितना प्रोड्यूस कर रहा है वाटर, 36 ग्राम वाटर की प्रोडक्शन कर रहा है। तो और हमें गिवन कितना है 10 ग्राम, और अगर मैं 10 ग्राम ऑक्सीजन लेता हूं तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, 36 अपॉन 32 इंटू 10। तो अब आप इसे कंप्लीटली सोल्व कर लीजिए, जितने ग्राम आएगा उतने ग्राम आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन आ गई। इस तरह से आप बड़े आराम से अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में समझाया है, अब हम और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के भी न्यूमेरिकल है, स्टोइकियोमेट्री के भी, कुछ और जो मास एंड मास वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड मास एंड वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, तो काफी न्यूमेरिकल बड़े शानदार शानदार मैं ले गया हूँ। कंप्लीट मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल को एज फॉर्मेट नहीं है, जो डाटा है केवल वो मेंशन किया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 8 न्यूमेरिकल अगर मैं केमिस्ट्री के पूरे याद लिखू तो केवल 4 में ये भर जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, जब आप वीडियो देखते बेटा नीचे किस तरह ट्रायंगल का बना होता है उसे दबा दे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, वहां पे जाके आप मेरी अदर वीडियोस के लिंक भी गिवन है, और वहां पे जाके आप पीडीएफ फाइल लिखा होगा तो पीडीएफ फाइल पे अगर क्लिक कर देंगे तो आपको जो मैंने पीडीएफ फाइल उसमें डाली है आपको वहां पे मोबाइल पे मिल जाएगी। एक कुछ स्टूडेंट्स, वैसे आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बात पता है, कई बच्चे पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं कि सर पिक्चर क्वालिटी कई बार अच्छी नहीं आती, तो यूट्यूब क्या करता है मिनिमम डाटा आपको प्रोवाइड करता है जब आप वीडियो देखते हैं, तो क्वालिटीज होती है यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है, कभी भी आपको लगे कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, जो यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है इसे आप क्लिक करिए, यहाँ पे एक फॉर्मेट आ जाएगा वीडियो क्वालिटी का, वीडियो क्वालिटी में होता है 144, 320, 720, इस टाइप से डाटा गिवन है मेगापिक्सल में, तो मिनिमम आप 320 पे अपना डाटा यूज ज्यादा नहीं कर सकते, कईयों में सेटिंग में 144 होता है तो उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, तो कम से कम 320, 720, मेरी जो वीडियोज है 1080 पे है, आप आराम से उसमें जितने हाई क्वालिटी पे जाके देखना चाहें वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, कैसे सोल्व करते हैं उनको देखते हैं। वन बाय वन न्यूमेरिकल को करेंगे, और हर एक न्यूमेरिकल में मैं कहता हूं आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग नया सीखें। कैलकुलेशन पे मैं यहाँ पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, वो आप अपने कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ करते चलें। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है, हमको एक रिएक्शन दी है ए प्लस बी टू गिव्स ए बी टू, ये आपको रिएक्शन दी है। इसके वैसे जनरली रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री देखे तो इसका एक मोल है, इसका भी एक मोल है, इसके कितने मोल बन रहे हैं, एक ही मोल बन रहा है, मगर जो मैं डाटा की मैंने वो कह रहा है इसके 2 मोल है ए के और बी के 3 मोल है, अब बताओ ये कितना बनेगा। तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो एक मोल, अब इसके 2 मोल है तो 2 मोल, और अगर मैं इसको लेता हूं तो इसके 3 मोल, मगर हमारा जो आप किसके थ्रू होगा जो लिमिटिंग होगा, एक मोल के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए एक मोल, तो 2 मोल ए के लिए, सॉरी ऑक्सीजन नहीं बी टू, एक मोल ए के लिए कितना मोल बी टू चाहिए एक मोल, तो 2 मोल ए के हैं तो यहाँ कितना चाहिए 2, मगर गिवन कितने हैं 3, यानी ये एक्सेस हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया एक्सेस और ये क्या हो गया लिमिटिंग। तो जो कम अमाउंट में होगा स्टूडेंट वही लिमिटिंग है, और उसी के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, आप कहेंगे एक मोल से एक बन रहा था तो 2 मोल से 2 मोल बनेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 मोल ए बी टू के बनेंगे। ठीक है, अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, 100 ग्राम H2 इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपको रिएक्शन सिंपल सी होती है पता ही है, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, क्या गिवन है वो कह रहा है इसका 100 ग्राम है इसका भी 100 ग्राम गिवन है, कितना HCl बनेगा ये आप कैलकुलेट करें। अगर मैं स्टोइकियोमेट्री की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसके 2 मोल बन रहे हैं, अगर मैं यहां लगाता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 ग्राम और यहां पे आ जाएगा 71 ग्राम और यहां पे 36.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 73 ग्राम। जिन बच्चों का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास नहीं आता प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं उसकी वीडियो देख सकते हैं, आपको आना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है 2 है तो 2 आ गया, क्लोरीन 35.5 होता है 2 से मल्टीप्लाई किया 71 और हाइड्रोजन का 1 35.5 किलो ऐड किया तो 73 हो गया। अब स्टोइकियोमेट्री तो ये कहती है कि अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन का 71 ग्राम क्लोरीन का लेता हूं तो 73 ग्राम HCl
बनता है। मगर अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बना है, 100 ग्राम। अब इसका मतलब क्या है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा। देखते हैं 2 ग्राम के लिए कितना क्लोरीन चाहिए, 71 ग्राम। तो 100 ग्राम के लिए कितना चाहिए स्टूडेंट, तो 71/2 × 100 और ये आ जाएगा 35.5 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3550 ग्राम। अब आप समझ सकते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट आ गया और आपको गिवन क्या है, केवल 100 ग्राम गिवन है, देना कितना चाहिए था इतने ग्राम। तो इसका मतलब क्लोरीन मेरा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे क्लोरीन मेरा क्या लिमिटिंग, यानी क्लोरीन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड हो गई, बस हो गया न्यूमेरिकल। अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन कितना है 71 ग्राम से कितना HCl बन रहा है 73 ग्राम। तो आप कहेंगे 71 ग्राम से अगर 73 ग्राम बन रहा है तो 100 ग्राम से कितना बनेगा, 73/71 × 100। अब आप इसे सोल्व कर दीजिए, इतने ग्राम HCl की प्रेपरेशन हो जाएगी। तो आप इनको कॉपी पेन से करते रहिए बेटा, मैं कह रहा हूं बड़े आराम से आपसे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, इजी हैं। बस एक चीज को ध्यान रखना है कि जब भी आपको 2 रिएक्टेंट गिवन है उनमें से जो लिमिटिंग होगा उसी के बेस पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, एक्सेस रिएजेंट कभी भी डिसाइड नहीं करता कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, हम थर्ड न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट क्या है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है आपकी, जिनके पास एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये एनसीईआरटी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है एनसीईआरटी का, मैंने वो शॉर्ट में मेंशन किया है यहाँ पे। और जब आप इसको प्रदीप की बुक में या अदर पब्लिकेशंस में देखेंगे तो ये आपको काफी डिफिकल्ट लगेगा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूँ। आप अपने मेथड से न्यूमेरिकल्स को किया करें, केवल आंसर मैच किया करें कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे N2+3H2 गिव्स 2NH3, दैट इज अमोनिया की प्रेपरेशन हो रही है, हैबर प्रोसेस यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वैसे जनरल पहले ट्रेंड कर ले, स्टिक्योमेट्री क्या कहती है, तो 28 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, 6 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, 14 × 3 = 17, 17 × 2 = 34, 34 ग्राम अमोनिया। तो यानी स्टिक्योमेट्री क्या करेगी, 28 ग्राम नाइट्रोजन का, 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनता है। मगर आपको डाटा जो गिवन है थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या कह रहा है कि आपको 50 किलोग्राम नाइट्रोजन दे दिया गया और 10 किलोग्राम ऑक्सीजन, तो बताओ कितना अमोनिया बनेगा। एक तो आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों डाटा किलोग्राम में है, आंसर हमारा किलोग्राम में आ जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा स्टिक्योमेट्री लेके चलते हैं, अगर 28 ग्राम है तो 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। तो अगर 50 किलोग्राम होगा तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6/28 × 50 किलोग्राम। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा, तो ये 10.8 किलोग्राम के आसपास आ गया क्या हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मुझे गिवन कितने हैं 10 किलोग्राम, चाहिए कितना 10.8 किलोग्राम। अब ये ज्यादा वैल्यू है इससे कि कम वैल्यू है, तो आपने जो हाइड्रोजन मुझे कम गिवन है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, बस हो गया क्वेश्चन। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो हाइड्रोजन गैस इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड नाइट्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में कहेंगे कि भैया सोल्व करना, बस हो गया क्वेश्चन, मैं तो कहता हूं आपने भी 6 ग्राम से 34 ग्राम अमोनिया की प्रेपरेशन होती है, और 10 किलोग्राम से कितनी होगी, तो 34/6 × 10। तो जो अमोनिया आपका बनेगा बेटा, डायरेक्ट आपने कैलकुलेशन कर ली, अब ये क्या आ जाएगा, कर दो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपका क्या आ गया 56.6 किलोग्राम अमोनिया की क्या होगी स्टूडेंट यहां पे प्रेपरेशन। तो बड़े आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आपने देखा होगा कितना इजी वे में मैंने न्यूमेरिकल को परफॉर्म किया है, आप भी अपनी कॉपी में करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। बुक को फॉलो करने की कोशिश ना करें जिनके पास बुक्स है, बस केवल क्वेश्चंस उठाएं, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें और आंसर मैच करें कि हम जो कर रहे हैं उससे, क्योंकि आप बुक के मेथड में चलेंगे वो काफी टिपिकल बना देते हैं क्वेश्चंस को। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट,
हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl विल रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। रिएक्शन आपको गिवन है MnO2 प्लस 4 HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2 H2O। और वो आपको कह रहा है कितने, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl के कितने ग्राम मुझे चाहिए विल रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। अगर मुझे 5 ग्राम MnO2 गिवन है तो उसके लिए कितने ग्राम HCl चाहिए। अब ये थोड़ा सा यहां पे जब इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं स्टोइकोमेट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद ही कह रहे हैं बताओ। अब हम यहाँ पे स्टोइकोमेट्री सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टोइकोमेट्री तो चाहिए चाहिए। अब अगर हम स्टोइकोमेट्री का इस्तेमाल करें स्टूडेंट, देखिए मैंगनीज कितना होता है 55 एटोमिक मास जो होता है, ऑक्सीजन का 16 × 32 तो ये मेरा 87 ग्राम आ गया, यानी MnO2 कितना चाहिए 87 ग्राम। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो 4 × 36.5 ग्राम मेरा क्या आ गया HCl आ गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर इतने ग्राम MnO2 है तो इतने ग्राम HCl चाहिए, तो अगर 5 ग्राम होगा तो कितना चाहिए, तो आप कह देंगे अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए 4 × 36.5 अपॉन 87 × 5। तो आप कहेंगे 87 ग्राम के लिए इतने ग्राम HCl चाहिए, तो 5 ग्राम MnO2 के लिए कितने ग्राम HCl चाहिए वो आप निकाल दो। तो इसको बस आप सोल्व कर लीजिए, ये जितना भी आएगा ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर आ गया, 8 समथिंग कुछ आना चाहिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे अमाउंट ऑफ HCl आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है ध्यान से देखिए कि आपको सोडियम फॉस्फेट 2 मोल सोडियम फॉस्फेट और उसकी रिएक्शन के लिए है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, और क्या बन रहा है कैल्शियम फॉस्फेट प्लस 6NaCl, ये रिएक्शन हो रही है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.15 मोलर सोडियम फॉस्फेट, 0.15 मोलर सोडियम फॉस्फेट दे रखा है, वो कह रहा है इसका कितना वॉल्यूम चाहिए विल रिएक्ट विद 250 ml ऑफ 0.15 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। यहां पे आपको मैं नई चीज भी सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब वो कह रहा है कि भाई मेरे पास इसके इतने मोलर हैं, वॉल्यूम कितना चाहिए, हाउ मच वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड फॉर सोडियम फॉस्फेट टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 250 ml ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ऑफ 0.15 मोलर। यहां पे वैसे सेम मोलारिटी दे रखी होती, डिफरेंट भी दी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, रिएक्ट कंप्लीटली अगर आ गया, दो अलग अलग रिएक्टेंट दे रखे हैं तो फार्मूला बहुत आसान से स्टूडेंट, वॉल्यूम का भी निकालना है मोलैरिटी निकालनी है, तो M1V1 upon N1 M2V2 upon N2। ये N1 N2 हम वैसे आपने जनरली जो फार्मूले याद करते हैं वहां पे आप करते हैं M1V1 = M2V2, मगर अगर जो स्टोइकोमेट्री में नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं तो उस केस में N1 और N2 इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर मान लो इसके भी एक मोल होता, इसका भी एक मोल होता, तब मैं N1 N2 की बात नहीं करता, दो दो मोल होते तब भी नहीं करता। जब डिफरेंट मोल्स आते हैं तब फार्मूला हो जाता है M1V1 upon N1 = M2। अब ये N1 N2 क्या है, N1 क्या है कितने मोल सोडियम फॉस्फेट के हैं, N2 क्या है कितने मोल कैल्शियम क्लोराइड के हैं। अब M1 तो आपको पता ही है 0.15, वॉल्यूम पता नहीं मेरे को, नंबर ऑफ मोल्स 2, यहाँ पे मोलारिटी सेम है 0.15, बाय चांस सेम है, अगर डिफरेंट होती कोई बात नहीं, आप डिफरेंट पुट कर देते आप, वॉल्यूम दे रखा है 250 और यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या दी है 3, तो बस आप इसको बड़े आराम से स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा और यहां से वॉल्यूम आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम मुझे सोडियम फॉस्फेट का चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा कि हर एक न्यूमेरिकल में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, अगले में और ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 6, हम 5 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, 6 न्यूमेरिकल पे चलते हैं स्टूडेंट। कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है और वो कह रहा है कि इसको जब हम पता ही है इसकी डीकम्पोजिशन करेंगे जब, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसके 3000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं तो
तो बताओ कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का लिब्रिएट होगा। बिल्कुल सिंपल, आप वही हम आ जाते हैं किस पे, स्टिक्योमेट्री पे। उसके अकॉर्डिंग अगर बात करो तो कैल्शियम का मास होता है 14, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 48, तो ये 100 ग्राम हो जाएगा स्टूडेंट। यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लिब्रिएट हो रही है। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, 1 मोल क्या होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। यहां पे मैंने लिखा भी है वॉल्यूम किसके निकालना है, एट एसटीपी निकालना है। तो 1 मोल पे 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो रही है। अगर 100 ग्राम है तो कितना हो रहा है 22.4 लीटर, तो मुझे 3000 ग्राम गिवन है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 22.4 × 100 3000। बस अभी आपका सोल्व हो गया। इतने क्या आ जाएगा लीटर एट एसटीपी आपका आंसर आ गया। तो बड़े आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल क्या, 7 नंबर की अगर हम बात करें, वो कह रहा है कि मेरे पास इथेन दे रखा है C2H6, इथेन की कंबशन करेंगे, कर दो जी कंबशन। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की कंबशन करते हैं याद रखना हमेशा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। यहां पे मैंने रिएक्शन कंप्लीट नहीं किया क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें केवल रिएक्टेंट का डाटा गिवन है। तो वो कह रहा है कि अगर इसके 450 ग्राम इथेन अगर होता है तो मुझे बताइए कि ऑक्सीजन का मास कितना है। तो स्टिक्योमेट्री का इस्तेमाल करना आप करेंगे सर, आप हम कर लेंगे बाद में, यहां पर आपको पता ही है 30 ग्राम आ गए और ऑक्सीजन आ गया 16 × 32 ग्राम, बस हो गया आपके सर 30 ग्राम के लिए 32 ग्राम है तो 450 ग्राम के लिए ऑक्सीजन निकाल लें कितना है। तो यहाँ पे बस रिएक्शंस का ध्यान रखना है। अच्छा सॉरी गलती होगी, ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस है क्या, कार्बन 2 है यहाँ पे 2, ठीक है ना, पहले रिएक्शन बैलेंस कर लेना जब स्टिक्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोजन 3, अब ऑक्सीजन कितने हैं 4 और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 6 हो गए ना, चलो यहाँ पे क्या आएगा 7/2। अब यहाँ पे सारा थोड़ा सा रिएक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा हमें रिएक्शन का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे यही ट्विस्ट था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन कितने हो गए 4 3 7, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स क्या हो जाएगा 4CO2 प्लस 6H2, ये रिएक्शन होगी। अब यहां पे हम स्टिक्योमेट्री लगाएंगे, अब यहां पे इसके कितने हो गए, अभी हमने इसका मास निकाला था कितना 60 ग्राम, और अगर ऑक्सीजन की बात करें 32 × 7 ग्राम जो भी है। अब यहां पे आपको कितना इथेन गिवन है 450 ग्राम, तो आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 32 × 7/60 × 450, ये जो सोल्व करके आएगा स्टूडेंट कितने ग्राम मुझे ऑक्सीजन की क्या है रिक्वायरमेंट है, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा मेरे से भी गलती हुई है, मगर आपने ये गलती नहीं करनी, क्या जब भी आप स्टिक्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं रिएक्शन आपकी हमेशा बैलेंस होना कंपल्सरी है, तो रिएक्शन को पहले बैलेंस करें फिर आप स्टिक्योमेट्री कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 8 नंबर पे जो हमारे क्वेश्चन है क्या है कि 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड, चलिए पहले रिएक्शन लेते हैं, बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करने को कह रहा है किसके साथ, सोडियम फॉस्फेट के साथ करने को, सोडियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करने को कह रहा है। वो कह रहा है कि क्या बन जाएगा, बेरियम फॉस्फेट, बेरियम फॉस्फेट बनेगा और प्लस हमें पता ही है क्या बन जाएगा स्टूडेंट NaCl। यहाँ पे रिएक्शन को फिर वही काम, पहले हमें क्या करना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, कर लेते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा स्टूडेंट और यहाँ पे 2, तो बेरियम 3 हो गया 6 NaCl, ये आपकी रिएक्शन क्या होगी कंप्लीट बैलेंस होगी। अब मुझे पता है 3 मोल बेरियम क्लोराइड के लिए 2 मोल सोडियम फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है। अब डाटा में देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है, वो कह रहा है 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड, ये दिया है आपको 0.5, ठीक है, इस डाटा को थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि बात बनेगी नहीं,
बेरियम फॉस्फेट। चलो अब हमें एनएम ने सीएल चाहिए, तो इसके हमें 0.5 मोल गिवन है, इसका 0.2 मोल गिवन है। वो कह रहा है इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे ये आपने निकाल के बताना है। अगर हम स्टिक्योमेट्री की बात करें स्टूडेंट, इसके कितने मोल है 3 मोल, इसके कितने मोल है 2 मोल, इसका कितना मोल है 1 मोल, ये रिएक्शन हो रही। अब हम वही स्टिक्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बात करेंगे, अगर 3 मोल बेरियम क्लोराइड है तो कितने मोल सोडियम फॉस्फेट चाहिए 2, तो अगर ये 0.5 मोल गिवन है तो ये कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 0.5, और ये क्या आ गया 1/3, और ये आ गया 0.33 समथिंग, तो ये 0.3 मोल आ गया, यानी कि 0.5 मोल के लिए मुझे 0.3 मोल सोडियम फॉस्फेट चाहिए थे, ध्यान रखना। अब मगर गिवन कितने हैं 0.2, अब ये नंबर ऑफ मोल्स इससे कम है या ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर कम है, तो ये क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारा स्टूडेंट क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना है, 2 मोल के लिए कितने मोल बन रहा है 1 मोल, 2 के लिए 1 मोल, तो 0.2 के लिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.2, तो 0.4 की क्या हो जाएगी क्वाइट, तो आपका आंसर आएगा 0.4 मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट। मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, और अगर आपको ये सही लगे हैं, अच्छे लगे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें, और जिस न्यूमेरिकल में कहीं आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आपने खुद घर पे किए हैं आपसे नहीं हो रहे हैं और कहीं पे आपको डाउट लग रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को भेजें, मैं उसको जरूर आपको सोल्व करूंगा। और कल मैं आपको एक पीडीएफ फाइल और देने वाला हूं जिसमें मैं पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के असाइनमेंट दूंगा, उनको आप अपने अच्छी तरह सारे क्वेश्चंस को करके सोल्व करें। जो जो क्वेश्चन आपके डाउट होंगे वो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं, और उनके ऊपर फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा न्यूमेरिकल जो पूरे चैप्टर्स का जो डाउट होगा उससे रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।